सो यार, पिछले 2-3 दिनों से मुझे हर घंटे कहीं ना कहीं एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, मेरे इस एरिया के पास जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ पे आसपास जो एम्बुलेंस की आवाज़ कई ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है। मैं गूगल पे गया फिर से स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए, जो कोरोना वायरस का ग्राफ है वो देखने के लिए, है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो कोविड का जो ग्राफ है वो वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है एंड उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे जेई नीट के एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी चीज़ों के बारे में, साथ में आप लोग कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और अपने जो एग्जाम्स है उसको अच्छे तरीके से आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो और एग्जाम्स में अच्छे स्कोर ला सकते हो। सो ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ग्राफ दिखाऊं तो जैसे कि हमने देखा था कि 1 जनवरी को हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ गया था, 27,000 केसेस थे एंड उसके बाद जो 2 जनवरी का ग्राफ आया है दैट इज इवन मोर देन दैट, इट इज 33,000 केसेस। आप लोग यहाँ पर ग्राफ देखो कि आप लोगों को दिखेगा नवंबर तक एकदम कम हो गया था, फिर दिसंबर एंड आते आते वापस से वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है एंड 1 जनवरी, 31st, है ना, 30 दिसंबर, इन सारे दिन केसेस बढ़े हैं और रैपिडली अब जो ये इंक्रीज कर रहे हैं, 22% हमारा इंक्रीमेंट हुआ है नंबर ऑफ न्यू कोरोना वायरस केसेस में एक दिन के अंदर अंदर, और कुछ 100-200 लोग इसमें मरे भी हैं पिछले एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में हमारे पास में कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और ओमिक्रॉन के केसेस भी अभी 1700 क्रॉस हो चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है। अब ओमिक्रॉन के केसेस कम है लेकिन कोविड के केसेस ज्यादा हैं। अब ये चीज मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि 33,000 न्यू केसेस हैं तो ओमिक्रॉन के केसेस उसमें से इतने कम है, सो ये क्या चीज है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। बट फ्रेश कोरोना वायरस केसेस जो है वो 33,000 हमारे पास में देखे गए हैं जिसमें ओमिक्रॉन का परसेंटेज काफी कम है और ओमिक्रॉन का इफेक्ट भी काफी कम है ये बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन काफी ज्यादा माइल्ड है। ठीक है, तो ये सीन देखते हुए जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि हमारा जो पीक है वो फरवरी में आने के एक्सपेक्टेशंस हैं, IIT कानपुर के द्वारा जो रिसर्च करी गई है उसमें बताया गया है कि हमारा जो पीक है कोविड का, जो थर्ड वेव है ओमिक्रॉन का, वो है जो हमारे पास में 3 फरवरी तक आने के चांसेस है। और अगर ये इस तरीके से बढ़ता गया, सुनने में ये भी आ रहा है कि आज 3 जनवरी और आज भी केसेस अच्छे खासे आए हैं, अलग अलग बच्चों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि उनके रीजन में भी ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, कल फिर से यही हुआ, मैं गया रेस्टोरेंट में खाना खाने, दूसरे रेस्टोरेंट में गया था कल। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल भी एक स्टोरी बताई थी कि रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं मिला था रात को 8:30 बजे। कल एक दूसरे रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने के लिए एंड वहाँ पर ठीक 8:55 पे जो है कॉल आता है रेस्टोरेंट ओनर के पास में, उन्होंने जोर से कहा कि सबको फटाफट अपना खाना खत्म करना पड़ेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर जो है शॉप को बंद करनी है। पुलिस वुलिस जो है वहां पर आ गई थी। इमीडिएटली 5 मिनट में हमने फटाफट खाना जो है खाया और वहां से हम लोग भागे भागे निकले। तो सिचुएशंस इस तरीके से खराब हो रही है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसमें एक्शंस ले रही है। अगर आप लोग बाहर निकलते हो थोड़ा बहुत भी तो आप लोग को समझ में आएगा, मैं खैर बाहर ज्यादा निकलता नहीं हूँ, सिर्फ कभी कभी बाहर निकलता हूँ एंड बाहर बहुत ही गंदा माहौल दिखने को मिल रहा है। भीड़ भाड़ वाली चीज़ों को, जो सिनेमा हॉल्स है, सारी चीज़ों को वापस से क्लोज कर दिया जा रहा है। तो अभी जो ये सीन है ये बहुत बुरा है हमारे देश के लिए, हमारे सारे जो लोग हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ है। एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छा चीज़ है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स है वो और ज़्यादा पोस्टपोन होंगे ये चीज़ें अगर चलती रही तो। ठीक है ना, तो काश ये चीज़ें ना हो, जल्दी से खत्म हो जाए, बट अगर ये चीज़ें हो रही है तो इसका इफेक्ट आप लोगों के पास आता है डायरेक्टली, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स फिर पोस्टपोन होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे वहाँ पर एडवांटेज उठा लेते हैं। सो आप लोगों को मैं टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ बोला जाए कि आप 6 घंटे में कोई चीज़ करो तो आप उसको 6 घंटे में करते हो, कोई चीज़ आपको बोला जाए कि 1 घंटे में करो तो आप उसको 1 घंटे में करते हो, कोई चीज़ आपको अगर बोला जाए कि 6 महीने में करो आप उसको 6 महीने में करते हो, कोई चीज़ अगर आपको बोला जाए 2 महीने में करनी आप उसको 2 महीने में करते हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना, फॉर एग्जाम्पल कि भाई किसी को लेट से बोला जाए कि भाई आपको 5 साल में शादी करनी है, आप 5 साल में कर लोगे, लेकिन किसी को बोला जाए कि भाई देख 1 महीने में शादी हुई तो होगी, नहीं तो आप जिंदगी भर कभी शादी नहीं कर पाओगे, तो आप उसको 1 महीने में भी कर लोगे शादी को। ठीक है, मतलब तब आप ये सब नहीं सोचोगे कि अरे अभी तो मुझे पैसे जमाने हैं, मुझे तो घर जमाना है, ठीक है, फिर मुझे सबको इनवाइट करना है, फिर सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, फिर शादी नहीं, आप बोलोगे भाई 1 ही महीना है, जैसे तैसे करना है, ठीक से हो ना हो लेकिन करना है। तो टाइम ऐसा चीज़ है ना, जितना टाइम आपको कोई चीज़ के लिए दिया जाता है आप उसको उसी टाइम में कर ले, तो ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। आपको अगर बोला जाए कि भाई आज रात को 3 बजे ट्रेन पकड़नी है वरना छूट जाएगी, तो आप 3 बजे उठ जाते हो, लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि भाई रोज सुबह 3 बजे उठ करके वॉक पे जाना है, तो आप नहीं उठ पाओगे, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट डे जब आप उस चीज को स्टार्ट कर सकते हो, बट ट्रेन छूट गई तो छूट गई, तो वहां पर आप उठ जाते हो। तो उसी तरीके से जो आपको ये बता दिया जाए कि भाई एग्जाम 5 महीने बाद है तो आप उसको 5 महीने में प्रिपेयर करते हो, अगर आपको बता दिया जाए कि भाई एग्जाम अभी है मार्च में ही है तो आप उसको मार्च के हिसाब से प्रिपेयर करते हो। सो इसको अगर आपको फायदे में कन्वर्ट करना है इस चीज को, तो आप क्या करो, अपने ब्रेन को ये बोलो कि भाई मुझे 2 बार सिलेबस कंप्लीट करना है, 1 बार मार्च के पहले और 1 बार एग्जाम्स और ज्यादा आगे जाएंगे इन सिचुएशंस के वजह से, तो 1 बार और मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा।
अब इसमें यह भी चीज़ है, कोई काम आप अगर पहली बार करते हो ना तो उसमें आप फेल होते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको किसी से लेट्स से प्यार हो गया, आपको प्रपोज करना है, तो पहली बार में आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, एक बार आदत होता है, थोड़ा सा बेवकूफ बनते हो, थोड़ा सा मजाक उड़ता है, ठीक है, फिर समझ में आता है अच्छा ये चीज़ें आपको इस तरीके से करनी है, दूसरे बार आप थोड़ा और मैच्योर तरीके से करते हो, फिर कटता है, तीसरे बार और मैच्योर तरीके से करते हो, ठीक है ना। तो दो तीन बार कोई चीज़ जब आप करते हो तो आप उसमें थोड़ा सा परफेक्ट बनते हो, क्लोज टू परफेक्ट बनते हो, ठीक है। जितने भी लोग जो जेई एडवांस क्रैक करते हैं ना, उसमें से बहुत ज़्यादा संख्या जो होता है वो रिपीटर्स का होता है। टॉपर्स में जो होते हैं ना वो फ्रेशर्स होते हैं, लेकिन क्रैक करने के कैटेगरी में बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं। वो क्यों होता है, ठीक है, आईआईटी ने क्यों आपको तीन अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं आईआईटी, क्योंकि उसको पता है आईआईटी को कि अगर दो बार बच्चे ने आईआईटी को फील कर लिया, तीसरे बार में वो शायद क्रैक कर ही लेगा, ठीक है। फील करना इज इंपॉर्टेंट इस वजह से। सो आप ऐसा करो कि एक सिलेबस को एक बार आप कंप्लीट करो, लेट्स से फरवरी एंड तक, अभी से लेकर के लग करके फरवरी एंड तक का टारगेट करके कंप्लीट करो, एंड फिर मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा आगे जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यार केसेस बता रहे हैं जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और ये पीक पहुँचेगा फरवरी तक, तो फरवरी तक पीक पहुँचेगा, तो आपको पता है कि वो चीज़ें सब चीज़ें शांत होने में टाइम लगेंगी। एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया, आज 3 तारीख हो गई हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जगह जगह लॉकडाउन लग रहा है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, आप लोगों को एनफ टाइम अब मिलने वाला है। सो व्हाट यू कैन डू इज आप प्लान ऐसा करो कि आप दो बार सिलेबस कंप्लीट करोगे, एक बार आप फरवरी एंड तक करोगे, उसके बाद तब तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब एग्जाम और आगे चले गए हैं, पता चल जाना चाहिए, देन आप रीस्टार्ट कर सकते हो अपने सिलेबस को, और तब ये जो दो बार आप करोगे ना, ये आपको एक बहुत तगड़ा एडवांटेज देगा कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जो अभी भी एंग्जाइटी में ही है, कब होगा एग्जाम, कैसे होगा एग्जाम, अभी भी जो है समझ नहीं पा रहे किस तरीके से करना है। तो आप अपने आप को बोलो कि भाई फरवरी एंड तक करूंगा एंड फिर मार्च से रीस्टार्ट करूंगा, ठीक है, जितना आगे जाएगा उतने दिन में एक और बार सिलेबस कंप्लीट करूंगा, और पक्का हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका चीज़, ठीक है। तो टाइम को लेके चीज़ आपको समझ में आया होगा, कोई भी चीज़ हम एक से ज़्यादा बार करते हैं तो उस चीज़ में हमारी पकड़ बन जाती है। अगर आपका स्कोर 60 70 80 के रेंज में अटकता है ना जेई मेन के अंदर अंदर, और अगर आपको इंप्रूव करना है 150 160 170 98 99 परसेंटाइल तक लेकर के जाना है, आपको नहीं पता किस तरीके से लेकर के जाना है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स बनाया है, इसके अंदर में 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं एज ऑफ नाउ, एंड पिछले साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स का फायदा उठाया था। इस साल ये कोर्स और अच्छे तरीके से बन रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें जो है वीडियोस वगैरह बन रही हैं। 2 एपिसोड्स ऑलरेडी जा चुकी है बच्चों को, बाकी एपिसोड्स शेड्यूल के हिसाब से जाएंगी। आप जब भी इसका इसमें एनरोल करोगे ना, तो आपको जो पास्ट के एपिसोड्स है वो तुरंत मिल जाएगी एट द डे ऑफ एडमिशन, एंड बाकी एपिसोड्स जो है आपको शेड्यूल के हिसाब से मिलेंगी। काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है, सिर्फ 199 का है, वन टाइम पेमेंट, एक बार पे करोगे उसके बाद और कोई पेमेंट नहीं करना है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस पेज का, पेज में जाओगे, पेमेंट कंप्लीट करोगे, रिलैक्स करोगे, 6 घंटे के अंदर अंदर हमारे टीम की तरफ से, AR स्क्वाड की तरफ से आपको जो है ईमेल आ जाएगा, एंड नीचे आपको व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप टीम से बात करके भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, ठीक है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं इसका आप लोग फायदा उठाओ कोर्स का, एंड साथ में जो आपका जो ये पोस्टपोन का आपको नजारा दिख रहा है इसका आप लोग फायदा उठाओ, अभी से आप लोग फरवरी एंड तक सिलेबस को कंप्लीट करो एक बार, एंड फिर रीस्टार्ट करके वापस से सिलेबस को कंप्लीट करना। जब दो बार कर लोगे ना, बहुत स्ट्रांग आपका जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगा। फिर आपके 4 अटेम्प्ट्स हैं तो और भी तीसरी बार भी आपको हो सकता है सिलेबस को कंप्लीट करने का जो है मौका मिले। अगर 4 अटेम्प्ट्स नहीं भी हुए तो 2 तो होंगे ही सही ना, तो यू विल हैव एनफ टाइम, ठीक है। अभी आपके पास में टाइम बहुत है, टेंशन बिल्कुल भी लेने की बात नहीं, और यहाँ पर जो नीट का एग्जाम है वो भी आपका मई में नहीं होकर के आगे जाने का जो है वो क्लियरली दिख रहा है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितने भी स्टेट एग्जाम्स है, WBJEE, ये सारी चीज़ें शायद तक ये सब भी एग्जाम टाइम पे नहीं होंगे अगर सिचुएशन इस तरीके से चलती रही तो, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।